हेलो एवरीवन, मैं सुमन केसरी। फ्रेंड्स, आज की मेरी जो जानकारी है वो है बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट कलंचों के पौधे के बारे में। कलंचों के पौधा जो होता है अप्रैल मार्च तक इस पर काफ़ी बरबर कर फ्लावरिंग होती है। सर्दियों में बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट होता है कलंचों का पौधा। कलंचों का जो पौधा होता है इस पर सर्दियों में ही फ्लावरिंग होती है, बाकी जैसे कि बरसात हो गई और गर्मियों का जो मौसम होता है उसमें इस पर फ्लावरिंग नहीं होती। पूरे साल सिर्फ इसकी लीव्स चली रहती हैं, पर सर्दियों में भर भर कर फ्लावरिंग करते हैं हमारे गार्डन में। कलंचों का पौधा जो होता है कई वैरायटी में आता है, जैसे कि यहाँ पर ये देसी कलंचो है। देसी कलंचों के ऊपर देख सकते हो कैसे हजारों की संख्या में काफ़ी फ्लावरिंग हो रही है। कलंचों का जो पौधा होता है ये देसी कलंचो है यहाँ पर। और फ्रेंड्स, यहाँ पर साइड में ही है हाइब्रिड कलंचो, ये भी रेड कलर की ही इस पर फ्लावरिंग हो रही है, पर ये कई कलर में इसके फूल खिलते हैं, जैसे कि पिंक हो गया, येलो हो गया और यहाँ पर ये रेड हो गया। तो इस पर जो है कई तरीके से फूल खिलते हैं कलंचो के पौधे पर। और फ्रेंड्स, कलंचो का जो पौधा होता है ये बहुत ही हार्डली प्लांट होता है, पूरा साल हमारे गार्डन में ये बना रहता है। पूरा साल हम इसको बनाए रखने के लिए कलंचों के पौधे को अपने गार्डन में, तो हमें इस पर कुछ प्रोसेस करने होते हैं जो कि मार्च और अप्रैल के बाद होते हैं। तो जैसे ही मार्च का एंड अप चल चुका है तो मेरे यहाँ पर कुछ फ्लावरिंग अभी ताज़ा खिली हुई है और कुछ जो है सूख चुकी हैं कलंचों के पौधे से, क्योंकि 2 महीने से ये फ्लावरिंग कर रहे हैं। फरवरी के मंथ से फ्लावरिंग हो रही है इन पर, तो 2 महीने हो गए इन पर फूल खिले हुए, तो कुछ फूल जो हैं सूख चुके हैं अभी, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ऐसा हमें क्या प्रोसेस इस पर करना होगा जिससे कि हमारे गार्डन में कलंचों का पौधा सालों साल बना रहे, चलता रहे और हमारे गार्डन से ये ना जाए, तो इसलिए हमें जो है इस पर कुछ जो प्रोसेस करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि क्या क्या हम इस पर प्रोसेस कर सकते हैं कलंचों के पौधे पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर 2 वैरायटी के कलंचों के पौधे हैं, देसी कलंचो और हाइब्रिड कलंचो। तो फ्रेंड्स, हम इनमें से जो है एक प्लांट ले लेंगे यहाँ पर देसी कलंचों का। देसी कलंचों जिसका फूल सूखा हुआ है, सूख चुके हैं इनके फूल। जैसे ही फूल सूख जाते हैं हमारे पौधे पर तो जो है इसकी ग्रोथ रुक जाती है, हमारे पौधे की फिर से ग्रोथ नहीं हो पाती जब तक हम जो है इनकी अच्छे से देखभाल या कटाई छटाई नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर इस पौधे के फूल सूख चुके हैं, तो फूल सूख जाने के बाद जो है कलंचों का पौधा बीज बनाने में प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर जो है जैसे ही इनके फूल सूख जाते हैं तो यहाँ पर इनके बीज बनने में प्रोसेस करते हैं, हमारे पौधे अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते, तो ये उनका बीज बनता है फूलों के अंदर ही यहाँ पर सभी। तो हमें जो है अगर अपने पौधे को सालों साल बनाए रखना है अपने गार्डन में, तो हम इसकी जितनी भी फ्लावरिंग हुई है या सूखी हुई है तो हम इनको जो है कट कर देंगे अपने प्लांट से। तो फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पर ये सूखे हुए फूल हैं कलंचों के पौधे के, तो मैं यहाँ जड़ से इसको कट कर दूँगी। आप देख सकते हो यहाँ जहाँ से जितनी भी ब्रांचेस इसकी निकली हुई है, लीव्स यहाँ पर है, तो लीव से ऊपर की साइड से हम इसको जो है यहाँ से कट कर देंगे। तो आप देख सकते हो मैंने इसको जो है जड़ से यहाँ से कट किया है, थोड़ा ही गैप मैंने दिया है, वरना मैंने इसको जो है जड़ से कट कर दिया है। मैंने इसकी डंडी जो होती है ये यहाँ पर नहीं छोड़ी। तो हमें इस तरीके से कलंचों के पौधे को कट करना है। तो फ्रेंड, जो अभी बाकी है मैं इनको भी यहाँ से कट कर दूँगी, नीचे से जड़ से हमें इसको कट करना है, ऐसे जहाँ से भी इनकी रूट्स निकल रही है, लीव्स निकल रही है, तो हम इसको ऐसे कट करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने सूखे हुए सभी फूल इसके यहाँ से हटा दिए हैं, कलंचों के पौधे पर जो सूख रहे थे फूल मैंने सभी यहाँ से हटा दिया है, अब इन पर फ्लावरिंग नहीं होगी। जैसे ही कलंचों का पौधा सूख जाता है, उसके फूल सूख जाते हैं, तो हम इनको यहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि ये अब हमारे पौधे को प्रॉब्लम में डाल देंगे, क्योंकि अब हमारे कलंचों के जो पौधे हैं वो बीज बनाने में प्रोसेस करेंगे, अपनी ग्रोथ नहीं करेंगे। और हमें अपने पौधों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए कलंचों के, तो इन फूलों को हमें यहाँ से हटाना होता है। अगर हम ये फूल अपने पौधे से नहीं हटाएंगे और जैसे ही फूल सूखते चले जाएंगे तो हमारा पौधा भी सूख जाएगा, हम जो है अपने पौधे को फिर से नहीं बचा पाएंगे। अगर हमें अपने पौधे को जो है बचा कर रखना है कलंचों के पौधे को, तो हमें ये प्रोसेस अपने पौधे पर करना ही होगा।
और जब तक कलंचों के पौधे के फूल खिले रहते हैं अलग अलग कलर में, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, तब तक आप इनको खिलने दें, तब तक हमारे पौधे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो सिर्फ फूल खिल रहे हैं, बीज पर अभी प्रोसेस इनका स्टार्ट नहीं हुआ है। ये चाहे एक महीना खिले या दो महीने खिले या तीन महीने, तो तब तक हमें इनको खिलने देना रहना है, इनको हमें कट नहीं करना है। जब पौधे के फूल सूख जाते हैं तो हमें इन पर इनको जो है तब कट कर देना है अपने पौधे से, जिससे कि हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ कर सके। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको यहाँ पर छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पर कटिंग जो ग्रो की हुई थी, अब इस पर देख सकते हो कैसे कलियाँ बनी हुई है, यहाँ पर ये फूल खिलेंगे, ये अलग से ही यहाँ पर कटिंग ग्रो है मेरे पॉट के अंदर, तो इस पर अच्छी अभी ब्रांचेस भी निकल रही है और फूल भी कलियाँ बनी हुई है, तो ये अभी चलेगी, तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें अपने पौधे के, जब हमने इसकी कटिंग कर दी है यहाँ से, तो हमें इसके अंदर जो है कोई फर्टिलाइजर भी डालना होगा, जिससे कि हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ करे और अच्छी अच्छी नई नई लीव्स निकाले। तो फ्रेंड्स, हमें जो है अब इसको फूल को कट कर देने के बाद अपने पॉट के अंदर हम हल्की फुल्की नुलाई गुड़ाई करने के बाद इसमें कोई फर्टिलाइजर डाल देंगे। तो मेरे यहाँ पर छोटा सा ही पॉट है, तो इसके अंदर मैं जो हूँ यहाँ पर डाल दूँगी खाद। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अपने पौधे के अंदर डालने के लिए आया है डीएपी खाद। डीएपी खाद जो होता है हमारे पौधों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, इससे हमारे पौधों को जो है अच्छे से न्यूट्रिशन मिलता रहता है। तो हमें इसके कुछ दाने ही डालने हैं और पौधे की जड़ से थोड़ा दूरी पर डालना है, पौधे की लीव्स पर बिल्कुल भी ना डाले। अगर हम यहाँ पर इसके कुछ दाने पड़े रह भी गए तो ये जो लीव्स है इसको पूरी को ख़राब कर देंगे। तो हमें पॉट के अंदर कुछ ही दाने डालने हैं, मैंने कुछ दाने यहाँ पर डाल दिए और कुछ इस साइड यहाँ पर। तो कुछ दाने डालने के बाद हम जो है इसको मिट्टी से अच्छे से कवर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, खाद डालने के बाद आप जो है कलंचों के पौधे के अंदर हल्का फुल्का पानी दे, ज़्यादा पानी इसके अंदर ना डालें। तो फ्रेंड्स, अपने पौधों के साथ में आप ये प्रोसेस जरूर आजमाएं, वरना आपका पौधा जो है जैसे ही इसके फूल सूख जाएं तो आप इन फूलों को यहाँ से कट कर दें, और कट करने के बाद आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, वरना आपका पौधा जो है फूलों के साथ साथ ही सूख जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि फूलों के साथ साथ आपका पौधा कब सूख गया। तो फ्रेंड्स, आप अपने पौधों का और अपना अच्छे से ध्यान रखें। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो मुझे कमेंट कर जरूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके गाइज, बाय।